बढ़ती ठंड और शीतलहर के प्रकोप ने इन दिनों जिले में लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। लोग शाम होते ही घरों में दुबक जा रहे हैं, जिनके पास जैसी सहूलियत है ठंड से बचने के उपाय कर रहे हैं, पर सड़क पर रिक्शा चलाने वाले और आम तौर पर सड़क पर ही रात गुजारने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन और नगर निगम के द्वारा जलाए जाने वाले अलाव की व्यवस्था से कुछ लाभ होने की उम्मीद रहती है, पर नगर निगम के द्वारा इसमें भी खानापूर्ति की जा रही है। शाम होते ही नगर निगम की गाड़ी शहर के कुछ चिन्हित जगहों पर लकड़ी गिलाकर अलाव की व्यवस्था तो जरूर करती है, पर यह लकड़ी आधे से एक घंटे में ही समाप्त हो जाती है, जिसके कारण लोगों को कोई ज़्यादा राहत नहीं मिल पाती। बिल्कुल है संवेदनशील, इसलिए आज तुरंत यहीं पर गाड़ी रुकी है। इससे पहले भी इन लोगों ने इसके पहले भी कहीं और भी जलाया है, तो इस तरह कार्यक्रम होना चाहिए। हम नगर निगम के जो लोग हैं जगह, हालांकि कुछ लोग इस बात को लेकर भी खुशी जताते हैं कि कम से कम नगर निगम और प्रशासन के द्वारा अलाव की व्यवस्था की जा रही है। बढ़ती ठंड को देखते हुए स्कूलों को भी अगले दो दिन तक बंद की गई है। ठंड के कारण राहगीरों को, खासकर बाइक सवार लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर अपने रात को सड़क पर बिताने वाले लोग आश्रय स्थल की तलाश में भटक रहे हैं और जैसे तैसे रात गुजार रहे हैं। नगर निगम के द्वारा फिलहाल कोई आश्रय गृह भी नहीं चलाया जा रहा है, जिससे कि रात में लोग ठंड से बचने के लिए वहां रह सकें। छपरा से मनीष कुमार की रिपोर्ट।